जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेवी एसएसआर के इस मॉडल पेपर में। एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं होता कभी, और बहुत नज़दीक आ जाए तब तो प्रिपरेशन करने का मौका ही नहीं मिलता। उम्मीद करता हूं कि कहीं से भी, जैसे भी आप जैसे भी पढ़ रहे हो, जहां जहां से भी पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर लिए होंगे। अब आप धीरे धीरे खुद को टेस्ट भी करते रहिए, या फिर पूरी प्रिपरेशन आपकी नहीं कंप्लीट हुई है तब भी आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते रहिए कि आखिर नेवी एसएसआर में आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। तो मैं यहां पर फिजिक्स के 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। चलिए मेरे साथ आप भी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और सॉल्व करिए फटाफट, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण विभवांतर से त्वरित हो रहा है तो इसकी ऊर्जा कितनी होती है। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको एकदम हलवा मिलेंगे, सिंपल। तो क्यू इंटू वी, ये डेफिनेशन से होता है वोल्टेज के कि डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो ऑब्वियस ही बात है डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, वी क्यू। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। हाँ बिल्कुल सही बात, सदिश राशि है। चलो और क्या कहना चाह रहे हैं। अ कंजर्व्ड क्वांटिटी इन आइसोलेटेड सिस्टम, बिल्कुल सत्य बात है। सेम एज फोर्स इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में अगर फोर्स मोमेंटम कहा जाए तो सेम एज फोर्स इन लीनियर मोमेंटम। वैसे जैसे रेखीय गति में बल होता है वैसे थोड़ी होता है, ये बल का समय के साथ अनुपात होता है। तो ये सी करेक्ट है, केवल वन और टू करेक्ट है। इस ये फोर्स के इक्विवेलेंट इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर होता है फोर्स, तो समय से भाग देना जरूरी है। एक स्प्रिंग तुला के एक सिरे को 2 न्यूटन के बल लगाकर खींचा जाता है तथा दूसरे सिरे पर बराबर किंतु विपरीत बल लगाया जाता है, तो स्प्रिंग का मापांक क्या होगा बताइए। एक स्प्रिंग है, इस पर 2 न्यूटन का बल लगता है और इक्वल अपोजिट फोर्स लगाया जाता है अदर एंड पर, इस पर भी 2 न्यूटन का बल लगता है, तो इसमें कितना होगा ओवरऑल। ऑब्वियस सी बात है, 2 न्यूटन के अगर आपसे खींचा है तो इसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड 2 न्यूटन का बल ही लग रहा है, तो यहां पर 2 न्यूटन बल होगा। जीरो मत कर देना, क्यों? क्योंकि जीरो आप तब करोगे जब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, जीरो आप तब करोगे जब आपके दिमाग में बच्चों ये चल रहा होगा कि क्या कहते हैं, 2 न्यूटन इधर 2 न्यूटन इधर, तो खींच देंगे तो टेंशन जीरो हो गया, कोई बल ही नहीं लग रहा है। क्या उसमें नेट बल जीरो हो गया? ना, फोर्स तो लग रहा है ना, तो 2 न्यूटन ही लगेगा। एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा ई है 36 से 45 डिग्री पर फेंका जाता है, इसकी उड़ान के दौरान उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए गेंद के उड़ान के दौरान उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी ये आपको बताना है। अब देखिए यहां पर कोई चीज फेंकी गई है ऐसे, तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा पूछी जा रही है, तो यहां पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? थीटा एंगल लग रही है और ये यू कॉस थीटा है, तो यहां पर हो जाता है हाफ एम यू कॉस थीटा का स्क्वायर। अब थीटा 45 डिग्री है, तो और जब फेंका गया है तो यू से फेंका गया है, तो यहाँ पर पहला एनर्जी कितना है, पहली एनर्जी यू बराबर कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर। अब यहाँ पर ई बराबर हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ई डैश बराबर कितना हो जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब देखिए ई डैश अपॉन ई कर दीजिए, डिवाइडेड बाई हाफ एम वी स्क्वायर एम यू स्क्वायर कर दीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा। ई डैश बराबर कितना आ जाएगा? ई बाई टू, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा E by 2, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो गया। एक कार तय की गई कुल दूरी का 2/5 भाग V1 चाल से, देखिए तय की गई कुल दूरी का 2/5 भाग यानी कि 2/5 D ये चलता है किससे? V1 से, और कितना बच रहा है शेष? 3/5 चलता है किससे? V2 से। इसकी औसत चाल बतानी है, फटाफट बता लीजिए। औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अगर लोगे तो कितना हो जाएगा? 3/5 डी ही होगा। अपॉन टोटल टाइम कितना होगा? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना होगा? 2/5 इंटू डी अपॉन V1 प्लस यहाँ 3/5 इंटू डी अपॉन V2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? डी कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा, V1 V2 कॉमन होकर के ऊपर चला जाएगा, तो केवल बचेगा V1 V2 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2/5। अब ये 5 भी ऊपर चला जाएगा बच्चों, 5 भी ऊपर चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 2V2 प्लस 3V1 और यहाँ 5 चला जाएगा, तो 5V1V2 अपॉन 3V1 प्लस 2V2
यानी कि 2v2 + 3v1, वही ऑप्शन नंबर डी का आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एयरफोर्स, नेवी, ICG इनमें से किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए, और अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं क्योंकि ऑफलाइन का कोई तोड़ कभी होता नहीं है, तो प्रयागराज में यूपी, भारत के यूपी में, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में ये इस वक्त आपका इंस्टीट्यूट है और हमेशा से है। इस वक्त का मतलब आपके लिए, अगर आप अभी जानते हैं तो यहाँ पर आप आने के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ आपको सब कुछ मिलेंगी। बहुत लिमिटेड टाइम का ऑफ़र है, इस पर फटाफट कॉल करिए और इसके बारे में पूरी जानकारी आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो सुविधाएं मिलेंगी बच्चों, वो आपको देश के स्तर पे कहीं पर आप इसको कंपेयर करने जाएंगे तो कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। चलिए, M1 द्रव्यमान की एक वस्तु V वेग से गतिमान है, यदि M2 द्रव्यमान की अन्य स्थिर वस्तु से टकराती है तो इसे दूसरे में धस जाती है, संघट्ट बिंदु पर इसका वेग क्या होगा? देखो, आती है M1 द्रव्यमान की V वेग से आती है, गतिमान है, M2 द्रव्यमान की अन्य स्थिर बिंदु से टकरा जाती है, तो इसका V वेग है और प्लस M2 द्रव्यमान के स्थिर उससे टकरा जाती है और फिर एक दूसरे में धस जाती है संघट्ट के बाद। अब एक दूसरे में धस जाता है मतलब M1 प्लस M2 हो जाता है और इनका वेग कुछ V डैश हो जाता होगा। अब ये तो पूरा जीरो हो गया, अब यहाँ से बताओ V डैश बराबर कितना होगा, M1 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब ये देखो डिनोमिनेटर ज़्यादा है, ये कम है, तो मतलब ये पूरा वैल्यू एक से छोटा होगा, ये पूरा वैल्यू एक से छोटा होगा, जब एक से छोटा होगा तो V डैश क्या होगा, घट जाएगा V से, लेकिन V डैश जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, घटेगा परंतु शून्य नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा वेग। आगे बताइए, एक ठोस गोला, खोखला गोला तथा एक वलय घर्षण विहीन नत समतल के उच्च बिंदु से छोड़े जाते हैं जिससे वे तल पर नीचे की ओर फिसलते हैं, तल के अनुदिश नीचे की ओर त्वरण का मान किसके लिए अधिक होगा? अब ध्यान रखना, घर्षण विहीन नत तल है, जब घर्षण ही नहीं है तो सभी के लिए समान होगा, जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो सबके लिए सेम होगा, सब जी साइन थीटा से गिर जाएंगे। सैटेलाइट यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, एक सैटेलाइट जो है वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है, और आर कैप्टन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, अ सैटेलाइट इज सेट टू बी इन सच एन ऑर्बिट व्हेन ऑर्बिट इज जियो सिंक्रोनस, कक्षा वृत्ताकार होती है, पृथ्वी के भूमध्य तल में होता है, बिल्कुल तीनों बातें सही हैं। और ये बच्चों, ऑर्बिट इज एन एल्टीट्यूड ऑफ 22,000 नहीं होता है, बल्कि ऑर्बिट जो इसका होता है वो 35,800 के आसपास होता है, 35,800 किलोमीटर के आसपास होता है, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। ऑर्बिटल इक्वेटर प्लेन में लाई करता है, बिल्कुल सही बात है, सर्कुलर पाथ पे करता है, जियो सिंक्रोनस होता है, मतलब पहला दूसरा तीसरा करेक्ट है आपका, तो पहला दूसरा तीसरा इज द राइट आंसर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। पृथ्वी पर पलायन वेग VE तथा उस उपग्रह पर पलायन वेग VP में क्या अनुपात होगा जिसकी त्रिज्या और औसत घनत्व पृथ्वी की तुलना में दो गुने हैं? देखिए जी, अगर हम बात करें जी का मान, बात करें तो जी का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई जी रो आर, यहाँ पर ये डेंसिटी है, घनत्व है, यहाँ पर ये घनत्व है और ये रेडियस है। अब आपको पता होगा ये अर्थ पर है अगर, तो ये अर्थ का हो गया, और किसी दूसरे प्लैनेट पर अगर हम बात करें, तो वहाँ पर ग्रेविटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 4/3 पाई जी। अब वहाँ पर क्या अनुपात होगा, जिसकी त्रिज्या और औसत घनत्व पृथ्वी की तुलना में दो गुने हैं, तो यहाँ पर ये 2 रो है और इसकी त्रिज्या भी 2 आर है, तो ये 4 गुना हो जाएगा ग्रेविटी, अर्थ का जो ग्रेविटी है उसका 4 गुना हो जाएगा उस प्लैनेट पर। अब देखिए पलायन वेग का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट टू जी आर ई है ना। अब देखिए जी जो है वो 4 गुना हो जाएगा, जी जो है वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा ई का, अगर प्लैनेट पर निकालोगे, वीपी अगर निकालोगे तो, और आर ई कितना है, आर ई तो दो गुना हो ही जा रहा है, तो यहाँ से 4 और 2 = 8, 8 का अगर बाहर निकालेंगे तो 2√2 बाहर आ जाएगा, अंदर पूरा आपका वही बचेगा 2 gr, तो यहाँ पर VP बराबर 2√2 टाइम्स, ये कितना VE हो जाएगा, VP अपॉन VE बराबर 2√2 हो जाएगा, और अगर प्लैनेट और उसका पूछ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2√2 उल्टा।
चलिए माना कि वायुमंडल में ऊपर जाते समय वायु का घनत्व इतना है और वायु का घनत्व ये नियत रहता है। इस प्रकार के काल्पनिक मामले में किसी वायुमंडलीय दाब का वायुमंडल के बराबर कितना होगा? P बराबर होता है HDG। वैल्यूज रख करके सॉल्व करेंगे तो वायु का घनत्व दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ 0.0013 ग्राम को बदल लीजिए कितने में, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 10^-6 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और H जो हाइट है, इस प्रकार के H आपको निकालना है, वायुमंडलीय दाब है तो 1 atm होता है, आप जानते हैं 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है 1 atm, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। जी की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे पुट कर देंगे 9.8, तो जब सारी वैल्यू पुट करके H का मान निकालेंगे लगभग 8 किलोमीटर के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। डी घनत्व वाले किसी द्रव में m द्रव्यमान की त्रिज्या का एक बेलन डूब रहा है। अब डी घनत्व का द्रव है, उसमें m द्रव्यमान की त्रिज्या वाला एक बेलन है, तैर रहा है, डूबे हुए भाग की ऊंचाई कितनी होगी? ये बताओ डूबे हुए भाग की अगर बेलन की ऊंचाई अगर आपको देखनी है, मान लेते हैं h भाग डूबा हुआ है, तो आप जानते हैं कि जो डूबा हुआ वॉल्यूम है उसी पे वो डिपेंड करता है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा? इंटू एम जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है ना, डी घनत्व है उसका, और यहाँ पर ये क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डी घनत्व वाले द्रव में एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या का एक बेलन तैर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इसको आप कर दीजिए कैपिटल आर, इसको आप कर दीजिए कैपिटल आर, और कैपिटल आर के साथ अब यहां पर डेंसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी बराबर एम जी, ये कट गया। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए व्हाट इज द हाइट ऑफ द रीजन, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर डी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत से आ जाएगा। बच्चों अगर आप मान लो किसी भी तरीके से यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको फटाफट इस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले लेना है, ऑनलाइन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, और पूरे देश के अंदर वो सबसे मिनिमम प्राइस रखा गया है इस इंस्टीट्यूट के अंदर। पानी से भरा एक हाथ नाद है, उसमें बिना पानी को छुए, अगर आप पानी से भरा एक नाद है उसमें बिना बर्तन को छुए अगर आप पानी के अंदर हाथ डाल रहे हैं तो उसके रीडिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप हाथ डालेंगे तो पास्कल के नियम से क्या होगा, हर एक बिंदु पर फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन भी मिलेगा, तो जो उसका रीडिंग होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। साबुन के बुलबुले के बाहर दाब के अपेक्षा अंदर दाब अधिक का कितना होता है? साबुन का बुलबुला है तो 40/R होता है, सबको पता होगा। आदर्श गैस के लिए P तथा एकांकी आयतन ऊर्जा के मध्य संबंध क्या है? बच्चों 2/3E, ध्यान रखना, बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए जब इसको इधर हल्का सा खींचोगे तो ये जितना दबेगा उतना ये इधर खींच जाएगा, जब वो दोनों में इलांगेशन सेम हो, कोई जितना खींच रहा है उतना ये दब रहा है, या दोनों सेम खींच रहे हैं, या दोनों सेम दब रहे हैं, दोनों पैरेलल में होते हैं, जब पैरेलल में होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है दोनों को सीधा जोड़ दिया जाता है, जैसे आप कैपेसिटेंस में करते हैं। एक सरल लोलक तथा दोलन में किए गए कुल कार्य का मान कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि एक सरल लोलक जो होगा वो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, और वर्क बराबर कितना होता है? 4 × डिस्प्लेसमेंट, तो हो गया खत्म बात। तरंगों के अधरोपण में ऊर्जा जो होती है समान बनी रहती है, केवल उसका पुनर्वितरण हो जाता है, ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन अकर करता है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन समरूप वैद्युत क्षेत्र में मुक्त किए गए हैं, इनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र अगर सेम है, F बराबर होता है QE होता है, और ये हो जाता है MA बराबर QE हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़े गए हैं तो ये पूरा ही कांस्टेंट हो गया, ऑब्वियस ही बात है, यानी कि अगर ए इलेक्ट्रॉन बटे ए प्रोटॉन लिखना चाह रहे हो तो एम प्रोटॉन बटे एम इलेक्ट्रॉन लिखोगे, तो प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशन अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन बटे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि कोई किताब ऐसी होनी चाहिए जिससे आप पूरी प्रिपरेशन कर सकें, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी सवाल हो, कॉन्सेप्ट हो, थियरी हो, हर चीज़ आपको जिस किताब में मिल जाएगी वो है मेजर कल्सी क्लासेस की किताब, इसको आपको क्या करना है, फ्री डिलीवरी चार्ज, जैसे कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है इस पर, 25% डिस्काउंट पे भी मिल रहा है, फटाफट फ़ोन करके इसको मंगा लीजिए। किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का सूत्र इतना दिया हुआ है, इसकी विमाएँ इतनी है, तो K की विमा बतानी है, बताइए K की विमा क्या हो जाएगी? K की विमा हो जाएगी E की विमा इंटू एक्स क्यूब की विमा। E की विमा कितनी होती है? न्यूटन पर कूलम, यानी कि ML T-2, और कूलम मतलब AT। अब यहाँ पर TX की विमा कितनी हो जाएगी? L3। तो A यहाँ पर L T से कुछ कटेगा नहीं बच्चों, ML4 T-3 A-1।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सीधा। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इमर्स्ड इन अ ऑयल ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको दो परावैद्युतांक वाले तेल में डुबो दिया गया है, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र। अब देखो दो परावैद्युतांक वाले उसमें डुबो दिया गया है, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा, तो E बराबर क्या होता है, E बराबर V अपॉन D होता है ना। और E और K में रिलेशन अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा E इक्वल टू V बाई D। अब देखिए सवाल में ये कह रहा है कि कैपेसिटर इमर्स्ड इन ऑयल ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डुबोया गया है, तो C डैश बराबर कितना हो जाएगा 2C। अब आप जानते हैं Q अपॉन V बराबर होता है C, तो अगर जो C डैश है ये डबल हो गया है तो मतलब V को आधा होना पड़ेगा, मतलब V डैश बराबर कितना हो जाएगा V बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ V बाई 2 पुट करोगे तो E डैश बराबर कितना हो जाएगा V अपॉन 2D, तो कितना हो जाएगा E बाई 2, मतलब डिक्रीजेज प्रोपोर्शनल टू हाफ, ठीक है, इसी के प्रोपोर्शनल में डिक्रीज कर जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व किसके समानुपाती होता है, आप जानते हैं फार्मूला होता है बी स्क्वायर पॉइंट टू म्यू, तो ये हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में जो डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी होती है, तो यानी कि बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा सीधा, नीचे टू म्यू नॉट कांस्टेंट हो जाएगा। शुद्ध प्रेरकत्व में शक्ति का मान कितना होता है, शुद्ध प्रेरकत्व में शक्ति का मान जीरो होता है, क्यों, क्योंकि प्योर एल सर्किट में फाई कितना होता है, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज गैप कितना होता है फाई बाई टू। अब आप पावर लॉस जानते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई होता है, कॉस फाई अगर 90 है तो कितना हो जाएगा ओवरऑल खत्म जीरो। हरित गृह प्रभाव का कारण इसमें से औरक तरंगें होती है, हरित गृह प्रभाव का कारण 3/2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3/2 माध्यम अपवर्तनांक वाले प्रकाश की चाल कितनी होगी, देखिए n बराबर कितना होता है c अपॉन v, तो यहाँ पर सीधा आपको v निकालना है तो c अपॉन n कर लीजिए, 3×10⁸ कर लीजिए और यहाँ 3/2 कर लीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिए, सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश की चाल बटे माध्यम में चाल। तो जैसा कि मैं हर बार आपको एक क्वेश्चन देता हूं जरूर कि आप खुद से करके लाइए, तो बच्चों ये है आपके सामने सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं बल्कि इनफैक्ट तुरंत ही इसका आंसर करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके कमेंट सेक्शन में मैं खुद ही इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन को एक्नॉलेज कर दूंगा या फिर मैं खुद ही इसको सही ऑप्शन दे दूंगा जब आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे कई लोग, तो ठीक है बच्चों। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादातर क्वेश्चन कर पाए होंगे, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में। बच्चों एग्जाम हमेशा दूर लगता है लेकिन होता नहीं, कभी भी हो सकता है, चलिए प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद।